हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। तो आईबीपीएस पीओ 2021 एग्ज़ाम में कितने ओवरऑल अटेम्प्ट रहे हैं, गुड अटेम्प्ट क्या रहे हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया है यहाँ पे, क्योंकि जो पेपर इस बार सेट हुआ था वो काफ़ी अच्छे लेवल का सेट हुआ था। और पेपर ना ही ईजी टू मॉडरेट था, ना ही ईजी था पेपर, हम बोल सकते हैं कि इस बार मॉडरेट लेवल का पेपर सेट हुआ था। स्पेशली 11 दिसंबर की अगर मैं बात करूँ तो 11 दिसंबर की सारी शिफ्ट में अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिला है। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में ज़्यादातर अटेम्प्ट मुझे 20 से 25 देखने को मिले हैं। इसके बीच में स्टूडेंट्स ने ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे 25 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, बट ज़्यादातर 20 से 25 भी के बीच में रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पे टॉपिक्स वाइज तो सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ये आपका स्कोरिंग पार्ट था। अगर मैं बात करूँ पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट की, तो सिटिंग अरेंजमेंट आपका फिर भी इतना टाइम टेकिंग नहीं था। अगर आप स्पीड है आप में तो आप कर ले जाओगे, बट पज़ल यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम टेकिंग लगा। तो इस पार्ट को आप बोल सकते हो कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से अटेम्प्ट कम हो गए। ठीक है, क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट में आपका अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज, और डीआई की मैं बात करूँ तो डीआई में आपके क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। मतलब क्वेश्चंस जो थे डीआई के, डीआई तो बन जा रही थी बट उसके जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी लेंथी थे, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे कम अटेम्प्ट हो रहे थे। और अर्थमेटिक की बात करूँ तो अर्थमेटिक का लेवल आपका मॉडरेट था। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम एंड आपका प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, ये सारे क्वेश्चंस थे, तो सभी का लेवल आपका यहाँ पे मॉडरेट देखने को मिला। तो 17 से 23 के बीच में मैं यहाँ पे गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में आपका डिपेंड करता है हर किसी की इंग्लिश कितनी अच्छी है, तो 18 से 22 के बीच में यहाँ पे ओवरऑल अटेम्प्ट इंग्लिश में भी माने जाएंगे। बट इंग्लिश का पेपर जो था, क्वेश्चंस थे लेंथी थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, तो अब बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। बट हाँ, जो डिसेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं वो आपके 22 के अराउंड थे। ठीक है, 22, 23, 25 तक आप लेके चल सकते हो, बट ज़्यादातर तो जो अटेम्प्ट है वो 18 से 22 के बीच में रहे हैं। तो ये आपके गुड अटेम्प्ट रहे हैं। अगर आपने 60 प्लस अटेम्प्ट किए हैं तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। एंड बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, 60 से नीचे भी कट ऑफ जाती है कैटेगरीज़ की। अगर सब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60 प्लस भी अटेम्प्ट किए हैं एक्यूरेसी के साथ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का क्वालिफाई हो जाएगा। बट यहाँ पे लास्ट ईयर की कट ऑफ आप चेक कर सकते हो बाकी कैटेगरीज़ के लिए। 49-55 के अराउंड यहाँ पे अदर कैटेगरीज़ की कट ऑफ जाती है। बाकी आप एक आइडिया लेने के लिए लास्ट ईयर की कट ऑफ जाके ज़रूर एक बार चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो का। ठीक है, सो बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा गया है, कितने अटेम्प्ट हो पाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।